शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इंपल्सिव हो। अगर ये फोन नहीं उठा रही थी तो समझना चाहिए था ना कि कोई वजह होगी। अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्टूपिड हरकत की वजह से आज हमारे घर में क्या हो गया है? मन तो कर रहा है सच में समीर भैया की तरह तुम्हें भी खींच के झापड़ दूं। भाभी 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 क्या 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 हेलो 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 भाभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कल पहली बार देवयानी की सिट्टी पिट्टी गुम होती देखी यार, मजा आ गया। मैं खुद सोच ही नहीं सकता था कि वो मेरे लिए रो भी सकती है। रो रो के आंखें ये मोटी मोटी सूज गई। कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। लेकिन देवयानी जी को ऐसा लगा ही क्योंकि आप घर छोड़कर चले गए? हाँ, मैं खुद सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ। चलिए जो भी हो, आप सबको इस वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। परेशानी? अरे मैं तो कहता हूँ मुझे अपने नए नाटक का एक स्क्रिप्ट मिल गया। चलिए रखता हूँ, अब तो घर टाइम पे ही जाना होगा वरना आप जानते हैं ना क्या होगा। हाँ नमस्कार। गर्मा गर्म चाय लीजिए। थैंक यू। अच्छी बनी है पापा। एक बात बताएंगे? कुछ मैं जानती हूँ कि उस दिन मम्मी की दवाई के लिए पैसे आप ही ने रखे थे, पर हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं ना पापा। फिर वो पैसे? अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है कि वो पैसे कहाँ से आए। देख बड़ी बात ये है कि समय पर तेरी मम्मी की दवाई आ गई। नहीं पापा, आप ही ने कहा था ना कि जो पैसे सही तरीके से ना आए वो कभी बरकत नहीं देते। तुझे क्या लगता है बेटा, तेरी मम्मी की दवाई के लिए जो पैसे आए थे वो गलत तरीके से आए थे? बस इतना ही समझ पाई अपने पापा को तू? नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं देख बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तेरे पापा ने अपना आधा शरीर जरूर खोया है लेकिन जमीर वो अब भी मुकम्मल है। और अगर कभी उसे खोने की नौबत आ गई ना तो अपना जमीर खोने के बजाय मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे पापा ऐसा मत कहिए प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन डर सा गया था कहीं हम लोगों के लिए आपको अपने उसूलों से समझौता ना करना पड़ जाए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, I'm sorry। वक्त ही खराब है बेटा, हम सबके मन में समय समय पर ऐसे डर जरूर आएंगे लेकिन उन सबसे पार पाना ही तो जिंदगी है ना बेटा। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, कट ही जाता है। भाभी सॉरी। भाभी लेकिन इसमें अतुल की गलती नहीं है, शायद मैं ही उसे अपनी माँ ठीक से नहीं कह पाई जिससे उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं उससे ब्रेकअप कर रही हूँ। और इसलिए वो कुछ भी करेगा क्या कन्नू? अरे कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए। मैं माफी मांगती हूँ भाभी उसकी तरफ से, प्लीज उसे माफ कर दो।
कन्नू मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा? तुम घर के और लोगों के बारे में सोचो ना। उसके उस स्टूपिड से सुसाइड नोट के वजह से हमारे घर के लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, देखा ना तुमने खुद ने। अच्छा भी पानी पकड़ो और चलो। अब ऐसे ही अगर मुंह लटका के रखोगी ना कन्नू, तो बाहर सबको पता चल जाएगा। और सोच लो, तुम्हारे तीनों भाइयों को पता चल गया तो क्या होगा? थैंक्स भाभी। चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो लेटर लिखा किस। बहू जी, मुझे तो लगता है किसी ने हमारे साथ बहुत बहुत गंदा मजाक किया है। वो कमीना मुझे एक बार मिल जाए ना तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ रही। बहू जी, ये जो सारी गलतफहमी है और ये जो कंफ्यूजन हुआ है वो सिर्फ उस सुसाइड नोट की वजह से हुआ है। क्यों ना हम वो सुसाइड नोट पुलिस को दे दें और पुलिस ही उस लिखने वाले को पकड़े और उसकी ये पिटाई करे। अरे कनिका बेटा, तुम्हें बहुत खांसी आ रही है, दवाई दूं क्या? नहीं माँ, वो निवाला अटक गया था ना इसलिए। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने वो जो घड़ी रखवाई थी ना तिवारी साहब के यहाँ 1500 रुपए में, क्यों रखवाई थी? अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, मैं मना थोड़ी ना करती। लाओ जी पानी। अरे यार, सबको खांसी क्यों आ रही है? मेरा एक बात बताऊं, ये पराठे तुमने बड़े टेस्टी बनाए हैं और इसमें जो तुमने मिर्ची डाली है ना उससे तो और ये टेस्टी हो गए हैं। अच्छा वो बताइए ना, वो घड़ी के बारे में जो मैं पूछ रही थी। अब मैं कैसे बताऊं इसको कि जो घड़ी मैं गिरवी रख कर आया हूँ वो मेरी नहीं नियति के पापा की है। उन्हें पैसे की जरूरत थी, खुद तो जा नहीं सकते थे इसलिए मेरे हाथ गिरवी रखवाई। क्या सोच रहे हैं आप, बताइए ना। अरे दिव्यानी, मेरी घड़ी मेरे पास है, ये देखो। तो फिर तिवारी अंकल ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे झूठ कहाँ बोला, तिवारी के पास तो मैंने अपने एक दोस्त की घड़ी गिरवी रखी थी 1500 में बस। क्यों, अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो आपका दोस्त खुद नहीं जा सकता था? देवयानी जी, मैं जाऊं या मेरा दोस्त जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है? दोस्त की हेल्प करना तो अच्छी बात है डैड, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने तिवारी अंकल से कह दिया कि वो घड़ी भिजवा दें। हाँ, अभी उन्हीं का तो फोन आया था, अब उनका लड़का घड़ी लेके निकल गया है, अब तो पहुंचने भी वाला होगा। क्या? हाँ डैड, हम उसे घड़ी ले लेंगे और उसे पैसे दे देंगे और वो घड़ी आप अपने दोस्त को दे दीजिएगा और डैड आप उनसे कहिएगा कि जब भी उनके पास स्पेयर पैसे हों वो हमें लौटा दें, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे बेटा, जिसकी घड़ी है वो पैसे वो देगा ना, हम क्यों पैसे दें? मैं एक काम करता हूँ, मैं तिवारी साहब को फोन करता हूँ और उनको मना कर देता हूँ। वो ही आया होगा, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर। सर, तिवारी जी ने घड़ी भेजी है। हाँ, पैसे कहाँ रखे मैंने, ये तिवारी जी को देते। जी सर, दो बेटा। अरे अंबर बेटा, देख लो ना, वही घड़ी है ना, ठीक ठाक है। चल रही है। अरे रहने दो, यही घड़ी है ना। हाँ बेटा। एक मिनट, मुझे घड़ी दिखाइए। एक मिनट दीजिए ना पापा, दिखाइए ना।
मेरी मम्मी के लिए। मेरे लिए? नहीं लाई। लेना। और ये मेरे प्यारे पापा के लिए। क्या जरूरत थी बेटा इतना सब लाने की है? अरे मुझे भी तो आनंद चाहिए था आप सब लोगों को गिफ्ट देने का। चलो चलो देखो देखो देखो। कैसी लगी मम्मी? बहुत प्यारी है। और तुझे? बहुत अच्छी। अरे बेटा लेकिन ये तो बहुत महंगी होगी ना? पसंद आई ना आपको? हाँ लेकिन क्या जरूरत थी बेटा इस पे इतने पैसे बर्बाद करने की? पापा प्लीज, मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? आप हम सबके लिए कितना कुछ करते हैं, कभी मैंने कहा कि क्यों करते हैं? नहीं कहा ना? तो अब आप भी ये वॉच उतने प्यार से रखिए ना जितने प्यार से मैं लाई हूँ। अच्छा भाई ले लेता हूँ बस। चलिए पहनिए। प्रॉमिस कीजिए पापा ये वॉच अब आप रोज पहनेंगे और कभी भी नहीं उतारेंगे। नहाते समय भी नहीं? नहाते समय उतार देना लेकिन वैसे आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा बाकी कभी भी नहीं उतारेंगे आप। पक्का प्रॉमिस। जब तक मेरी जान में जान है मैं तेरी इस गिफ्ट को अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा बस। अरे नियति क्या हुआ? ये मेरे पापा की घड़ी है। मैंने खुद उन्हें गिफ्ट की थी। आपके पास कैसे आई? मेरे पापा ही आपके दोस्त थे ना जिनकी आपने घड़ी गिरवी रखी। क्यों? मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी से इसे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अपने पापा को गलत मत समझो बेटा। जरूर उनकी कोई जरूरत होगी कि मैं तुम्हें बताता हूं कि हुआ क्या। अरविंद शर्मा बोल रहा हूं, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनकी घड़ी कभी गिरवी ना रखने देता लेकिन मैं क्या करूं मेरे पास पैसे थे नहीं और किसी से पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। तो मैंने सोचा कि नाटक के बाद मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो उससे मैं घड़ी छुड़वा लूंगा। और इससे पहले ही तिवाड़ी के बच्चे ने अपना रंग दिखा दिया। माँ जी माँ जी ये लीजिए छाछ पी लीजिए। आज सुबह पराठे बहुत हैवी हो गए थे ना इससे हजम हो जाएंगे। इनको दी सबसे पहले बाकी सबको भी दे दी। अच्छा किया बाद में पीती हूँ। वैशाली कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। नहीं तुम्हें तो पता है ना मंजली मुझे अपने सारे काम खुद करना पसंद है। मुझे पता है माँ जी
वैसे भी आप कितना काम करती हैं। अरे आपके आगे तो हम सब बेकार हैं। माँ जी, वैसे नियति के पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्या किया नियति के पापा ने? अरे बाऊची के यहाँ तो अपनी घड़ी गिरवी रखवा दी। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि नियति को कैसा लगेगा, कितना करती है बेचारी वो उनके लिए। एक बहू से ज्यादा एक बेटी का फर्ज निभाती है, और उन्होंने 1500 रुपए के लिए अपनी घड़ी गिरवी रख दी। आपने देखा था ना कि बाऊजी के हाथ में घड़ी देखकर नियति का क्या हाल हुआ था। देखो मंचली, ये नियति के ना मायके का मामला है, हमें इन बातों से क्या लेना देना। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी के मामलों में दखल अंदाजी करूँ, और ना ही मुझे ये पसंद है कि कोई मेरे मामलों में दखल अंदाजी करे। मुझे बिल्कुल पता है, और यही ठीक भी है। पर माँ जी, नियति के घर की प्रॉब्लम्स कहीं हमारे घर की प्रॉब्लम्स ना बन जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? नियति इस घर की बहू है, लेकिन उसकी पूरी तनख्वाह उसके मायके में जाती है, और अब तो अंबर भैया की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा भी उसके घर पर ही खर्च होता है। पर आपने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने तो आगे बढ़कर उनकी मदद की है। लेकिन फिर भी देखिए ना, नियति के पापा ने क्या किया, बाऊजी के हाथों अपनी घड़ी गिरवी रखवा दी। अब तिवारी अंकल तो नहीं मानेंगे ना कि वो घड़ी हमारी नहीं थी, उनकी थी। अब तक तो उन्होंने पूरे बाजार में ये बात फैला दी होगी कि शास्त्री परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और वो अपना सामान बेच बेच कर अपने घर चलाते हैं। क्या इज्जत रह गई होगी हमारी। और माँ जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद है जब नियति के घर वाले बेघर हुए थे, तब क्या हुआ था? अंबर भैया ने जा जाकर एक एक से पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे का इंतजाम किया था। अब उन्होंने किसी से ये तो नहीं कहा होगा ना कि मेरे ससुर के सर पर छत नहीं है तो मुझे पैसे दे दो। अब जिस किसी ने भी उन्हें पैसे दिए होंगे, उन्हें तो यही लगा होगा कि शास्त्री परिवार किल्लत में है, हमें जरूरत है पैसों की। जो हो गया सो हो गया माँ जी, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे नियति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्ची। वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ, और ये घर मेरे लिए सबसे ज्यादा मान्य रखता है। सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि मेरा मायका भी बाद में आता है माँ जी, सबसे पहले मेरा ये घर है। ये मेरा अपना घर है, इसलिए वैशाली मुझसे रहा नहीं गया। चलती हूँ माँ जी, दो दिन से ऑफिस नहीं गई हूँ, आज तो जाना ही पड़ेगा। अब छाछ पी लीजिएगा।